द डवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एट प्री स्कूल एंड किडर गार्टन लेवल लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्राम द बर्थ वैन द बेबी प्रोड्यूस दिस साउंड टू रियलाइज इट्स एग्जिटेंस जब वह बच्चा अपने वजूद का जवाब फराहम करता है यानी यूँ ही वो पैदा होता है तो वो क्राइंग के जरिए साउंड अपनी आ, पैदा करता है और क्राई करता है जिससे वो Uh, अपनी साउंड रियलाइज करता है ड्यूरिंग जीरो टू थ्री मंथ्स चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट्स हिज इमोशंस टू साउंड्स एंड स्माइल्स तो अपने इमोशंस या एंगर या या हैप्पीनेस शो करता है और फोर टू सिक्स मंथ्स चाइल्ड शो रिएक्शंस बाय यस आर नो एंड प्रोड्यूस बेबलिंग साउंड्स तो गु ग की आवाज़ें वो पैदा करता है और इस तरह वो अपने अपने इमोशंस का इजहार करता है और साउंड्स प्रोड्यूस करता है अब जो उसकी स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम इस चार्ट में इसको देखें कि इसकी डिटेल है क्राइंग क्या है जीरो टू टू मंथ्स है या थ्री मंथ्स तक है कूंग थ्री टू फाइव मंथ्स है इसे पैरालिंग्विस्टिक स्टेज कहते हैं बेबलिंग सिक्स टू एट मंथ्स ये गू की आवाज़ें जब बच्चा निकालता है बेबलिंग स्टेज इसे कहते हैं और फिर नाइन टू वन पॉइंट फाइव यानी नौ से डेढ़ साल की उम्र में इसे होलोफ्रास्टिक फ्रेज कहते हैं वन वर्ड स्टेज इसे कहेंगे और फिर उसके बाद है डेढ़ से दो साल की उम्र तक टू वर्ड स्टेज टेलीग्राफिक स्पीच इसे कहेंगे और फिर प्री स्कूल स्टेज उसकी है थ्री टू फाइव ईयर्स तो यहाँ वो जो है वो फॉरवर्ड सेंटेंसेस या कुछ इस तरह करके वो बोलना शुरू कर देता है सेवन टू ट्वेल्व मंथ में एज ऑफ फन एंड बेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन चेंजेस और वन टू टू इयर्स में फोकस ऑन पिक्चर्स इंडिकेट बेबी पार्ट्स इंक्रीज इन लर्निंग ऑफ वर्ड्स तो बेबी पार्ट्स पर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे या कुछ इस तरह करके उनको उनको उनके बारे में वो वर्ड्स निकाल के अपनी साउंड वो अपनी लैंग्वेज से इजहार करता है टू टू थ्री इयर्स थ्री ईयर्स की जो एज है उसमें कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स डिवेल्प तो कंपाउंड वर्ड्स की जो कॉम्प्रीहेंशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें डिवेल्प होती है और चाइल्ड कैन डिफ्रेंश डिफरेंट आइडियाज तो डिफरेंट आइडियाज़ में भी थोड़ा बहुत वो फर्क कर सकता है और फिर डिवेल्प द कैपेसिटी टू हैव वर्ड्स फॉर नियरली एवरी थिंग तो वो आ, उसमें कैपेसिटी डेवलप हो जाती है मुखलिफ़ आइडियाज़ को वर्ड्स के बारे में आ, तकरीबन तमाम चीज़ों चीज़ें जो उसके इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं आ, अगर हम इससे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो उसदा से अल, अल्फाज में अगर हम इसे कहें तो सबसे पहले बच्चा सींग समथिंग कोई चीज़ देखता है कि लर्न समथिंग वो लर्न करता है कुछ अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने जो केयरगिवर्स हैं उनके साथ ठीक है और फिर लर्न द साउंड्स वो साउंड्स सीखता है और फिर लर्न द वर्ड्स वो वर्ड्स सीखता है और फिर से uh, वर्ड्स तो वो अल्फाज सीखता है फिर वर्ड्स uh, कन्वे करता है बोलता है तो ये एक सिंपल सा उसका है अगर हम ये साइकिल कहें उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का जिस तरह जो आवाज़ों से शुरू होकर वर्ड्स uh, और सेंटेंसेस पे जाके रुकता है और थ्री टू फोर ईयर्स चिल्ड्रन लिसन मोर केयरफुली क्लियरली स्ट्रक्चर ऑफ अटरिंग सेंटेंस एक्सटेंड्स यानी उनकी जो बच्चों की जो लिस्ट, वो लिसनिंग पार बढ़ जाती है वो सेंटेंसेस के आ, बोलने के जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं उनमें वो बेहतरी आ जाती है और उनकी सेंटेंसेस की जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और फोर टू फाइव ईयर्स में आंसर क्वेश्चन वो क्वेश्चन को आंसर करने लग जाते हैं अप्रिशिएट स्टोरीज टॉक मोर क्लियरली एंड मोर इजीली तो यहाँ वो नैरेटिव्स भी सीख लेते हैं यानी कहानियाँ सुनना और कहानियों के में क्वेश्चन करना और इस तरह करके ये भी वो सीख लेते हैं तो ये सारा उनके मरल हैं प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल पे जाके उनमें नरेशन डेवलपमेंट होगी अब अगर हम इसको एक जो द लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इसका प्री स्कूल और किंडर गार्डन लेवल पे जो माइल्ड स्टोन्स को अगर हम देखें बच्चों में वो हम इसको हम रिपीट कर सकते हैं सिक्स मंथ्स से लेके कर फोर ईयर्स तक तो सिक्स मंथ्स पे उसके जो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो क्या करता है टर्न्स टू रेटलिंग साउंड्स टर्न टू वॉइस लॉफ्स वोकलाइज ये छः माह की उम्र में करता है नाइन मंथ की उम्र में बैबल्स सिंगल सेलेबल्स सेज मामा और दादा और वेव्स, बाय बाय। यानी सोशल वर्ड्स भी वो सीख लेता है और ट्वेल्व मंथ पे फॉलोज वन स्टेप कमांड और बैबल्स uh, इमिटेट्स uh, वो नकल करता है वोकलाइजेशन एंड साउंड्स आवाजों की नकल करता है से वन वर्ड तो वो वन वर्ड भी Uh, कहना कहने की कोशिश करता है वेव बाय बाय और 18 मंथ्स की एज में पॉइंट्स टू वन बेबी पार्ट से थ्री वर्ड्स फिर टू इयर्स की एज में क्या है पॉइंटिंग टू टू पिक्चर्स और फॉलोस टू स्टेप कमांड दो स्टेप कमांड को फॉलो करता है कंबाइन uh, वर्ड्स और नेम वन पिक्चर और फिर टू पॉइंट फाइव ईयर्स यानी ढाई साल की एज में uh, पॉइंट्स टू सिक्स बॉडी पार्ट्स नोस टू एक्शंस नेम्स वन पिक्चर स्पीच हाफ अंडरस्टैंडेबल और थ्री ईयर्स की एज यानी थर्टी सिक्स मंथ्स में टू नोस टू एडजिवस नेम्स फोर पिक्चर्स नेम्स वन कलर स्पीच अंडरस्टैंडेबल और फोर ईयरस की एज में क्या है डिफाइन फाइव वर्ड्स ये यहाँ उसके वर्ड्स डिफाइन करने की जो सलाहियत बढ़ जाती है नेम्स फोर कलर्स और स्पीच अंडरस्टैंडेबल तो ये माइल थे उसके प्री स्कूल और किंडरगार्टन गार्टन लेवल, लेवल पे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइल हैं जो मैंने एंड पे समराइज किए